हेलो। पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास में चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप में ये देख रहे थे कि किस किस अंपायर का वहाँ पे शासन था, या राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ की सोसाइटी में, यानी यूरोप, पूरे यूरोप की सोसाइटी में क्या व्यवस्था थी, कैसे कैसे उसके समाज बटे हुए थे। और ये हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ चुके हैं कि यूरोपियन सोसाइटी या फ्रांस की सोसाइटी में भी जो वर्ग थे, जो क्लास के लोग थे, वही पूरे यूरोप की सोसाइटी में था, वही व्यवस्था थी। तो आपने वहाँ बहुत बार हमने पढ़ा कुलीन वर्ग, ठीक है, जिसमें राजा और उसके राज दरबार के लोग होते थे और चर्च और पादरी, ये लोग मिलकर कुलीन वर्ग का निर्माण करते थे। जो सबसे ऊपर थे, जिनको सबसे अधिक पावर था, जो सबसे अधिक टैक्स लेते थे और जो निरंकुश थे। तो ये कुलीन वर्ग हमेशा से यूरोप के सभी देशों में थे और रहे। इनका जो था, इनकी लाइफ स्टाइल एक अलग ही थी। गांव में इनकी बहुत बड़ी भूमि थी, प्रॉपर्टीज थे और लैंडलॉर्ड थे ये लोग, और शहरों में बड़े बड़े बंगलोज थे। तो इस तरह ये लोग बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लाइफ को जीते थे, लेकिन इनकी संख्याएं बहुत कम थी। ये जानना ज़रूरी है कि इनकी संख्याएं कम थी, ये कुछ लोग ही थे, ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे। तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो सोसाइटी का था वो किसान थे, लेकिन ये किसान जो थे वो बड़ी संख्या में ज़रूर थे, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर किसान दूसरे की भूमि पे ही काम करते थे, या उनके ऊपर उनके लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार होते थे, या कोई फ्यूडल सिस्टम के अधीन, सामंतों के अधीन वो होते थे, जिन्हें उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था और उनकी ज़मीन पे काम करना पड़ता था। तो ऐसे कृषक या फार्मर्स नेचुरली वो कुलीन वर्ग का समर्थन तो नहीं करेंगे, और वो चाहेंगे कि इस व्यवस्था में सुधार हो, और वो चाहते थे कि धीरे धीरे सुधार हो और राजा का शासन ख़त्म हो, चर्च और पादरी का शासन ख़त्म हो, जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ भी, उसके बाद, उसकी क्रांति के बाद। तो उसी को देख करके अब बाकी जो शेष यूरोप के कंट्रीज़ थे, वहाँ भी कुलीन वर्ग को फार्मर्स नहीं लाइक करते थे। तो ये उसकी सोसाइटी का था। तो इस तरह से हमने देखा कि वहाँ सोसाइटी में पहले से, फ्रांस की तरह हम देख रहे हैं कि वहाँ की सोसाइटी में पहले से कुलीन वर्ग के लोग थे, इसके अलावा फार्मर्स थे, छोटे मोटे कारीगर थे, फिर एक नया मध्यम वर्ग, पढ़ा लिखा एक नया मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास भी जन्म ले रहा था। क्यों? इसमें सारे पढ़े लिखे लोग थे, और हमेशा से हम जानते हैं कि किसी भी क्रांति को लाने में इन्हीं का हाथ होता है, और आम जनता को या जो अनपढ़ है, जो नीचे के जनता है, स्तर के लोग हैं, उन्हें यही लोग जागरूक बनाते हैं, उन्हें क्रांति के लिए यही लोग उकसाते हैं और सोसाइटी में नए चेंज आते हैं। तो ये वर्ग हमेशा से मजबूत रहता है, मैंने इकोनॉमिकली नहीं, लेकिन पढ़े लिखे के मामले में, एजुकेशन के मामले में। तो इस तरह से पूरे यूरोपियन सोसाइटी में जो कुलीन वर्ग है, एक नया मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग के साथ ही फार्मर्स हैं और कारीगर हैं, क्योंकि ये उनको उकसाते हैं, उनको जागृत करते हैं। इनके साथ साथ और भी हम देखेंगे, अभी पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सारे नए नए वर्ग या क्लास का जन्म होगा, और इन सारे लोगों ने मिलकर ही नेशनलिज्म की तरफ इनका रास्ता खुलता है, और इन सारे लोगों ने मिलकर नेशनलिज्म को जन्म दिया, और इस यहीं से शुरू होता है यूरोप में नेशनलिज्म। तो जो कृषक थे, इसके अलावा यहीं पर क्या हुआ कि इंग्लैंड में 1750 के समय, ईस्वी में इंग्लैंड में एक क्रांति हुई, बड़ी ही महत्वपूर्ण क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से क्या हुआ कि एक और नए वर्ग का जन्म हो गया, ठीक है। ये जो नया वर्ग था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से एक उद्योगपतियों का या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का वर्ग आया, और साथ साथ लेबर वर्ग भी आया, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लेबर के बगैर नहीं चल सकती। तो कल कारखानों का नया नया जब जन्म हुआ, तो लेबर क्लास एक उभर कर आया। तो सोसाइटी में इतने क्लास पहले से थे, कुछ और क्लास आ रहे हैं, और ये जो क्लास नए नए वर्ग बन रहे हैं,
ये सब नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी और ये जो सुविधाएं चाहते थे वो सब इन्हें नेशनलिज्म से ही मिल सकता था। और नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना ही धीरे धीरे जाकर क्रांति को के रूप में परिणत होती है। बाकी बच गए जो कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग के साथ जिसमें कि राजा और चर्च और पादरी तो थे ही, एक रूढ़िवादी कंजर्वेटिव पार्टी भी क्लास भी चल रहा होता है, जिसकी विचारधारा ये है कि वो हमेशा इन्हीं लोगों को चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था ही चलती रहे, बहुत जल्दी से चेंज ना आए, और अगर आए तो बहुत धीमी गति से चेंज आए। तो ये हमेशा राजा या डिक्टेटरशिप में या मोनोपोली में या मोनार्की में विश्वास रखते थे। और इधर वाले लोग जितने हैं, मध्यम वर्ग हो या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट का वर्ग हो, या लेबर क्लास के लोग हों, फार्मर्स के वर्ग हों, और एक और उदारवाद यानी लिबरल्स, ये भी इधर ही है। तो लिबरल्स यानी उदारवादी जो बहुत चेंज चाहते हैं समाज में, और राजा की जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो ऐसे लिबरल्स लोग भी इधर थे। इनके साथ साथ व्यापारी, व्यापार के भी बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे, जिसके चलते एक नया क्लास, बिजनेस क्लास भी आया, यानी व्यापारियों का, व्यवसायियों का वर्ग आया, वो भी इधर ही थे। मतलब उन्हें भी नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ना अच्छा लग रहा था, और वो भी डेमोक्रेटिक शासन ही चाहते थे। तो इधर जो बच गए, जो सोसाइटी इस तरह हम देखते हैं कि दो रूपों में बटा हुआ था, बहुत सारे वर्ग और क्लास के लोग थे, पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, तो उसमें इधर कुलीन वर्ग के अतिरिक्त जो कंजर्वेटिव क्लास के लोग थे, और कुछ लोग इसी में कंजर्वेटिव क्लास में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया के बड़े बड़े देशों के ऐसे लोग थे जो इन लोगों से अलग विचारधारा रखते थे। तो हम देख रहे हैं कि जो अधिक वर्ग है सोसाइटी में, ज़्यादातर लोग जो हैं जिनकी संख्याएं ज़्यादा हैं, वो नेशनलिज्म की तरफ, वो एकता की तरफ, वो डेमोक्रेटिक रूल्स की तरफ जा रही है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह वो भी चाहते हैं अपने देश में आंदोलन लाना, क्रांति लाना, चेंजेस लाना, और मोनार्की को ख़त्म करना। तो ये मेन आस्पेक्ट्स है सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी का। अब मैं यहाँ से जितना भी पढ़ती हूँ आपको पूरा इजीली समझ में आएगा कि पूरे यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, पहले इंग्लैंड में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 19th सेंचुरी तक, नहीं 18th सेंचुरी के अंत तक बाकी देशों में भी फैला। तो इसके चलते क्या हुआ, फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में ये 19th सेंचुरी में भी आया, बहुत धीरे धीरे तक इसका प्रसार होता रहा। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, इस प्रोसेस में क्या हुआ, कई नए वर्ग, अभी जो हमने बताया, जैसे कि लेबर क्लास, जैसे कि बिजनेस क्लास के लोग, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, ये लोग अस्तित्व में आए जो पहले नहीं थे। और इन लोगों ने भी पढ़े लिखे मध्य क्लास, मिडिल क्लास के लोग, मध्यम वर्ग के लोगों का साथ दिया, और इन सब ने मिल कर के लिबरलिज्म, ये लोगों ने उदारवादी, उदारवादी माने जो बहुत आसानी से चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और कंजर्वेटिव टाइप के जो लोग होते हैं वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं सोसाइटी में चेंजेस को। तो वो अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहते हैं, मतलब अपना मोनोपोली बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी में इतने सारे वर्ग के, क्लास के लोग जो उभरने लगे, वो नए चेंजेस की तरफ बढ़ रहे थे, और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम आते हैं कि एक्चुअली 2.2 में देखिए जो टॉपिक है कि एक्चुअली लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का क्या कनेक्शन है। तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोरदार, बहुत तगड़ा कनेक्शन है। क्या है कि लिबरलिज्म, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, ये लिबरल होते हैं, हर बात को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं अगर वो फेवरेबल है। तो ये लैटिन लैंग्वेज है लिबर, उससे निकला है, जिसका हिंदी में अर्थ है आज़ाद। यानी ये लोग दो चीज़ चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति आज़ाद हो, किसी तरह का उस पर बंधन ना हो, और कानून की नज़र में सभी बराबर हों। ये लिबरलिज्म विचारधारा थी। तो ऐसे लोग यही चाहते थे, कानून की नज़र में सबकी बराबरी हो, सभी बराबर हों। और पॉलिटिकली इनके जो कुछ कुछ और जो एस्पेक्ट्स थे वो ये हैं कि वो और क्या चाह रहे हैं लिबरल जो लोग थे, कि वो कानून की नज़र में सभी समान हों, व्यक्ति की आज़ादी पे जोर देते थे। पॉलिटिकली लिबरल्स लोग क्या थे, ऐसी सरकार को चाहते थे जो सबकी सहमति से बना हो, जिसमें सभी खुश हों और सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। डिक्टेटरशिप के वो खिलाफ़ थे,
यानी मोनोपोली के, और पादरी वर्ग के जो स्पेशल राइट्स से मिले हुए थे चर्च को या पोप को, पादरी को, उसकी वो समाप्ति चाहते थे, एंड करना चाहते थे। ये चाहते थे लिबरल लोग, क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आए। लेकिन तब भी ये निजी संपत्ति, इतने के बावजूद भी, सभी सुधारों के, रिफॉर्म्स के बावजूद भी, एक चीज़ को ये तब भी मानते थे, और वो था प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। मतलब कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को रख सकता था, इसके स्वामित्व की अनिवार्यता पे उन्होंने बल दिया कि वो ऐसा कर सकता है। अब लेकिन यहाँ तक जब हम लिबरल्स की जो विचारधारा को जान जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं था कि अगर हम इतने सारे अच्छे विचार थे उनके, उदारवादियों के, तो इसका ये मतलब नहीं था कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि यूरोप के सोसाइटी में सभी लोगों को वोटिंग का या वोट देने का, मत देने का या सफरेज का अधिकार था। ये नहीं हमें समझना चाहिए। भले बहुत सारे रिफॉर्मेबल बात इन्होंने कहा, उदारवादी लोगों ने कहा, लेकिन वो ये नहीं मानते थे, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए हमको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय भी हमने जाना कि फ्रांस में बहुत धीमी गति से वोट देने के अधिकार धीरे धीरे कुछ कुछ लोगों को मिला, जिसमें अंत में आकर के आखिरकार महिलाओं को, और जो संपत्ति विहीन पुरुष थे, जो मेल मेंबर थे जिनके पास धन नहीं था, उन दोनों वर्ग को आखिरकार नहीं मिला था। सिर्फ जैकोबिन्स का थोड़े दिन पीरियड चला था जिसमें उन्हें महिलाओं को भी और बिना पैसे वाले संपत्ति वाले पुरुष को भी मिला था ये अधिकार। लेकिन उसके बाद नेपोलियन जब आया तो उसने फिर से अपने नेपोलियन कोड के तहत इन दोनों से वो अधिकार छीन लिए थे, और इस तरह से फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में दो लोगों को मत देने का या वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं था, और वो दो लोग थे, एक वेमेंस और दूसरी मेल, वैसे मेल जिनके पास संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इतने के बावजूद जो उदारवादी थे वो अभी भी वोटिंग का अधिकार सभी वर्ग के लोगों को या महिलाओं को नहीं देना चाहते थे फ्रांस में। ये तो हमने अभी बता ही दिया, तो ये लिबरल विचारधारा थी। दूसरा है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तो मैंने अभी बताया कि जो राष्ट्र को राष्ट्रवाद की ओर ले जाए, जो राष्ट्रभक्ति की से ओतप्रोत हो, जो किसी राष्ट्र को आज़ादी की तरफ या व्यक्ति की आज़ादी की तरफ कानून की नज़र में और सेंसरशिप की नज़र में, पत्रकारिता को हर चीज़ में जो आज़ाद हो, छूट मिले, ऐसी गवर्नमेंट को वो आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की विचारधारा से उदारवादी भी बहुत मेल खाता है। तो यहाँ तक हो गया। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम चले, इकोनॉमिक स्टेटस पे अगर देखते हैं, तो लिबरल्स लोगों का इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स क्या था, पूरे यूरोप के बात हम कर रहे हैं जब भी हो रहा है, तो वो लोग क्या चाहते थे कि जितने राज्य द्वारा, जो स्टेट के द्वारा जो नियंत्रण लगाया गया है, किस पर, व्यापार पर, व्यवसाय पर जो नियंत्रण है वो हटा दिया जाए, ऐसा लिबरल्स चाहते थे। इसके अलावा मिडिल क्लास के लोग भी यही चाहते थे कि वो व्यापार और व्यवसाय पर से आर्थिक जो कर था, टैक्स था, वो हटा दिया जाए। इसके लिए नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक बड़ा महासंघ, एक बड़ा ग्रुप भी बनाया था जिसमें कई छोटे प्रदेश शामिल थे और मोस्टली जर्मन स्टेट्स थे। तो ये 39 स्टेट्स की क्या विशेषता थी, देखिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों विचारधारा, ये राष्ट्रवाद की भी यानी नेशनलिज्म विचारधारा जो थी, और उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म, इन दोनों का ही ये मत था। ये दोनों ये चाहते थे कि व्यापार और व्यवसाय पर से नियंत्रण हट जाए। इसके लिए नेपोलियन ने 39 राज्यों का भी, जो मैंने बताया, एक बड़ा ग्रुप बनाया था। हम देखते हैं कि जिसमें से इन 39 स्टेट्स के, सोच सकते हैं कि 39 स्टेट्स के जो ग्रुप बनाए गए थे वो छोटे छोटे राज्य थे, और सब राज्यों की अपनी एक अलग मुद्रा व्यवस्था थी, मतलब अपनी मॉनिटरी सिस्टम अलग थी, जो बहुत मुश्किल काम था क्योंकि इतने छोटे छोटे राज्य, वहाँ अलग मुद्राएं चल रही हैं, नापतोल की प्रणाली भी अलग थी। 1833 में, यहाँ तक कि एक उदाहरण देखिए कि 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे शहर को जाने के लिए और अपना माल या प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो व्यापारी निकलते थे, उन्हें 11 जगह सीमा शुल्क यानी कस्टम टैक्स देना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल है, वो जितना का माल नहीं बेचेगा या जितना प्रॉफिट नहीं कमाएगा उससे ज़्यादा तो उसे टैक्स लग जाता है। इसके अलावा उसे हर बार 5%, कम से कम 5% सीमा शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा शुल्क अक्सर
जो था वो वस्तुओं के बाद, अब वो जितनी वस्तु लेके जा रहा है व्यापारी, जितने वस्तुओं को लेके चल रहा है, उसके वेट, उसके वजन के अनुसार उसे सीमा शुल्क देना पड़ता था। अगर वो ज़्यादा सामान ले जा रहा है, ज़्यादा भारी, तो अधिक टैक्स लगेंगे, और अगर वेट कम है, कम सामान ले जा रहा है, तो थोड़ा कम, और हर क्षेत्र में अलग अलग सीमा शुल्क। इसी तरह हर क्षेत्र में नाप तौल की व्यवस्था भी अलग थी। जैसे वहाँ कपड़े नापने का एक पैमाना जो था, जो स्केल था, वो एले था, एले कहलाता था, और इसकी लंबाई भी हमेशा घटती बढ़ती रहती थी एरिया वाइज, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते ही वो कहीं कम कहीं अधिक हो जाती थी। इस तरह तो बिज़नेस करना बहुत मुश्किल था। जैसे आज हमारा देश है, पूरे देश में, भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पूरे देश में एक मुद्रा चलती है, एक रुपया चलता है, मतलब दो ही रूप हैं इसके। इसके अलावा तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आती है बिज़नेस में। इसके अलावा